Randy. Run, Randy. Diceva Colette. ते अजमा कोड़ी क्या है? था कि खेती बाड़ी किया गाय जो ये की जानकारी ले पाई चुम। हाँ भाई अब की बात है जो बीज अच्छे होने हैं, जो फसल अच्छी हो। बीज खराब आ जाओ जने, जिन्हें आपका दवाया मैं उपचारित कर और फिर उगावा जने, तो बहुत बढ़िया फसल हो जाए। उपचार किया करा ते माँ नहीं बता जो। उपचार करवा की दवाई आपका घर में ही बढ़ा सका जा और बहुत ही सस्ता बन जाओ जब दवाई और काई घर में सामान सारे मिल जाओ लोगों को बाजार से भी काई न लेना पड़े ना थाने आ भाई ऐसे कैसे दुआ है जो घर में मिल जाओ लोगों को सामान ये दवाई को नाम चाहे बीज अमृत जो ये का माइन है गोमूत्र गोबर चूनो और पानी या न मिलार और या को नियमित रूप से घोल घाल और ये को दवाई बना ले जाओ घर में अब भाई ये यो जो तू बता रहा है तो ये बीज एक ही बीज में काम ले सका चाह कि उपचार ना मतलब सभी बीज में सभी तरह का बीज में जैसे गेहूं जो चना मूंगफली हर चीज मतलब उस सभी काम पड़ा जाए तो यो एक बीज में ही काम आओ चाहे सभी फसलों का बीज में काम आ जाओ चाहे दो भाई यो एक ही फसल में कौन ले काम एक ही बीज के लिए कौन एक उपचार सारे बीज का लिए चाहे मूंगफली चना जो और तो और पौध लगाओ चाहे ना वो पौध उनको भी उपचार कर सका चाहिए सर भाई ते तो बहुत बढ़िया अच्छी बात बताया जी मैं तो शाम सोच भी नहीं सका चाहे बीज का बारे में भाई शाम को उपचार भी जाओ अगर थे आप दवाई बनाओ चाहो ना तो आप बना देना उनके सारा सामान ये तैयार कर लीजिए थे और मैं आ जाऊंगी दोबारा कल और थाने बता जाऊंगी पूरी बात ये तो ते बहुत ही बढ़िया राय दिया चाहे थाने बताऊं कि मैं खुद घर में उपचार को कर देखा और बनावला घर में दवाई करनो ही चाहे भी ये शाम की सीख मतलब ते दिया चाहे सीख तो मान बनानो ही चाहे घर में ये दवाई तो ते काल ने कर जी मांग बाढ़ में आ जाए ठीक जब मैं चालू जो काल आऊंगी राम राम जी आगा के दुआई बनावा में सब सामान तैयार किए ये सामान ले चलो चल कोड़ी ले आए जे ओ चमांग वाड़ो अच्छा ये चे रही हां ते 20 लीटर पानी में बोले छा ना पानी भर दी 20 लीटर अच्छा 20 से ज्यादा थोड़ी डाले छो नहीं 20 लीटर छ ते 5 किलो गोबर भी खींचा ना 5 किलो गोबर ची में ताजा छे ना गोबर हां ताजा छे हां 5 लीटर गौमूत्र चाहिए ताजा छे नहीं हो अभी ताजा छे इमें 100 ग्राम चूनो छे अच्छा बिना खिलेड़ो चाहिए हो ना हां बिना खिलेड़ो ये 1 किलो मिट्टी छे उपजाऊ खेत की अच्छा था खेत बढ़िया छे ना बिल्कुल हां बढ़िया छे बिल्कुल अब बताओ क्या अनवाणी बताओ बनाओ एक कपड़ो लेवला जी मैं पहली गोबर बांधे ला आपा अच्छा ये गोबर लियो ये लुगड़ी लो बिछा बाबे ये लुगड़ी ने या फैलार और इका माला ये गोबर उदार अहिया और ये की पोट बांध दे ला या पोट बंद की अब ये पोट न ले चाल रे खड़ा पोट न ले चाल रे और 20 लीटर पानी में यहां लटका देना आपा कत्ते दे लटका रहा कहीं
ई पोट ने ई में 12 घंटा लटका रखनी छे। जो ई को कष्ट है ना गोबर को, ई में निकल जाओ ई का पौष्टिक तत्व निकल जाओ ई पानी का मायने, जो पानी बढ़िया हो जाओ लो। यो पानी छे ई में 100 ग्राम कड़ी डाल देला या उपड़ा ही ने अभी ने डंडा से हिला होला। भाई मैं गोल डाल दिया कि थोड़ी देर रखनो छ। नहीं अभी थोड़ी ठंडी जाली ना कली, अब आप ताती जे ठंडी जाली बैठ जाली फिर ना पाछा गोल कपड़ा से छान को ये पानी छ ना गाढ़ो गाढ़ो जो आप कली पोता छ दीवार पे, जो पानी छ ना वो काम में लेनो छ। अब गोबर तो अगर 12 घंटा डाले अब काय करा, अब उन्हें निकाला ना आप। चलो चलो अभी पोट ने निकाल रहा 12 धर देला। अभी को पानी आ गई में गोबर को बढ़िया, इको पानी निकल गो दवाई निकल गई। अब यो पानी जे ना गोबर का तत्व निकल गा, इका मायने पानी में आगा। और अब सबसे पहले आप में गोमूत्र डालना 5 लीटर। कितना? 5 लीटर। गोमूत्र डाल दिया ही मैं, अभी मैं 1 किलो खेत की उपजाऊ मिट्टी डाल देना ही। अब माटी डाले बाद में सबसे बाद में ध्यान आ जो सबसे बाद में डाल लो चुनो, पहली कदमी मत डाल जो छाड़ एड़ो जियो। अभी मैं इवेंट ढूंढा दे। अब आपा इन्हें लकड़ी की सहायता से हिलाओना, जब तक हिलाओना जब तक इमा भवर करी ना बन जाओ, भवर बन जाओ ना गोलो एकदम गोल गोलो गोलो दीख बना जाओ जे, जब तक हिलाए जानो जी ना गोल गोल एक साइड हिलाओना जब तक पूरी गोली ना बन जाओ। और पूरा भवर बने बाद में फिर इन्हें दूसरी साइड घुमाओ ना। अभी अपनी दवाई तैयार होगी बीजामृत। तो अभी इन्हें क्या काम ले इन बीज का माला छिड़क रहे थोड़ी थोड़ी पूरा बीजा का माला छिड़क रहे थोड़ा सा मिला रहे और चना उन्हें छाया में सुकार 1 घंटा तक छाया में सुकार और फिर बीज में बीजा ने खेत में बो दियो बनाई। अभी हम काय काय बात में काय काय को ध्यान रखा दवाई ने बनावा जत। ए तो गाय को गोबर ताजा होना चाहिए, मूत्र गाय गोमूत्र ताजा होना चाहिए और गाय बीमार ना होनी चाहिए और सारी सामान सामग्री जो है सही मात्रा में होनी चाहिए, कमती बत्ती ना होनी चाहिए। ते दवाई के बारे में बताया जो तो थान बहुत बहुत धन्यवाद, मैं शंभु की लोग यहाँ नहीं बताऊ। राम राम। राम राम। बीजामृत से पाएं लहलहाती फसलें।